सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी नवरात्रि आने वाली है, इसके लिए अभी हम लोग एक हल्दी कुमकुम का बाउल जैसे है वो बनाते हैं। ये छोटा साइज है, ये देखिए, आपको जिस साइज का बनाना है आप बना सकते हैं। ये मैंने छोटा साइज का बनाया है, जहां हम लोग को थोड़ा सा ही कुमकुम रखना है। जब हमें थोड़ा ज़्यादा, हम लोग का घर में अलग अलग टाइप के बाउल, छोटे छोटे बाउल्स या किसी चीज़ के ढक्कन वगैरह होते हैं, या फिर हमारा कुमकुम का जो डिबिया होती है उस साइज़ का अगर बनाना है तो हम लोग उस साइज़ का बना सकते हैं। इसमें ये देखिए, मुझे मेरे पास ये डब्बा है, मैं ये इस साइज़ का बनाने वाली हूँ। ये देखिए, अभी इसमें मैं खुला रखूँगी तो हो सकता है कुमकुम या हल्दी नीचे गिरता रहे, तो इसके लिए मैं सेफ साइज के लिए, ये देखिए इसको ढक्कन है, तो मैं ऐसा डिब्बे के साथ ये बनाने वाली हूँ। इसमें अगर आपके पास अलग टाइप का वाटी वगैरह हम लोग बोलते हैं वो है, आपके पास चांदी का कोई बर्तन है वो भी आप इसमें रख सकते हैं, और अपने हिसाब से इसका हाइट वगैरह जैसे बढ़ाना है आप वैसे बढ़ा सकते हैं। और इसमें मैंने ये 2.5 यूज़ किया है, क्योंकि मैंने पहले 3 यूज़ करके देखा था वो बहुत लूज़ हो जाता है, और 1.75 का देखा तो वो थोड़ा टाइट हो जाता है। आप अपने टेंशन के हिसाब से, मीन्स आपका हाथ का टेंशन कैसा है, कितना आप लूज का बनाती है या कितना टाइट बनाती है, उस हिसाब से बनाइएगा। और ये बनाते वक्त उल हमेशा बहुत बार धुलने के बाद थोड़ा सा लूज पड़ता है, इसके लिए कोशिश कीजिए कि बनाते वक्त वो टाइट ही रहे, बहुत ज़्यादा लूज न रहे। ये देखिए, इसमें मैं छोटे साइज का मेरी डिबिया है वो मैं रखती हूँ। ये देखिए, एक्चुअली मुझे रेड कलर का बनाना है, लेकिन वो दिखने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसके लिए मैं और एक येलो कलर का ही बना के आपको दिखाती हूँ, ताकि वीडियो में उसकी दिक्कत ना आए। इसके लिए मुझे ये बॉल चाहिए, इसमें हमें बहुत सारा वूल नहीं ज़रूरत होता है। देखिए, हम लोग ने थ्रेड यहाँ पे घुमा लिया है, अच्छे से बांध लिया है, जैसे कि नॉर्मली क्रोशेट में हम लोग लेते हैं। ये देखिए, ये जो लूज एंड है लास्ट का, ये इसके ऊपर जस्ट मैंने ऐसे रख लिया, फिर इसके ऊपर ये मैं घुमा लिया। ये देखिए, एक सर्कल जैसे बन गया, और इसके ऊपर क्रॉस में छोड़ दिया मैंने। अब ये देखिए, ये जो पहले का, जो मीन्स नीचे का जो कॉर्ड है, उससे मैं उसके नीचे ये सुई डाल रही हूँ, और ये ऊपर से, ये ऊपर का थ्रेड जो है इसके ऊपर से मैंने खींच लिया ये, और ये ऐसे घुमा लिया, मीन्स इसको ट्विस्ट कर लिया, और अभी इससे मैंने, ये देखिए, लूप इसमें से खींच लिया। ये देखिए, जैसे कि ये चेन बन गई, और ये जब मैं देखूंगी, अगर ये मैंने हाथ से निकाल के देखा, ये देखिए, ये टाइट बन रहा है, नॉट जैसे बन रहा है। मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये जो लूज एंड है ये ऐसे रखना है इसके ऊपर, और इसको जस्ट ऐसे घुमाना है इसके हाथ के ऊपर से, और ये धागे के ऊपर से ये क्रॉस छोड़ देना है, क्रॉस छोड़ देना है, और जो नीचे का धागा है, मीन्स जो पहले घुमाया हम लोग ने, उसके नीचे से ये हम लोग सुई डाल रहे हैं, और इसको ऊपर से ये लूप्स जैसे खींच रहे हैं हम लोग इसका। ये देखिए, ऐसे खींच लिया, और खींचने के बाद हम लोग इसको ऐसे घुमाते हैं। देखिए, ऐसे खींच लिया, घुमा लिया, और उसके बाद इसमें से चेन जैसे निकाल लिया। ये देखिए, एक चेन जैसे बन गई, और इसके बाद हम लोग को इसमें और दो चेन डालेंगे हम लोग, ताकि हम लोग को ये डबल क्रोशेट करना है। डबल क्रोशेट यानी ये तीन चेन जब आती है तब ये डबल क्रोशेट बनता है, और इसमें अभी हमको, और मुझे बड़ा वाला बनाना है बाउल जो है मेरा बड़ा वाला है, इसके लिए मैं उसमें और 19 डबल क्रोशेट डालूंगी। डबल क्रोशेट कैसे करते हैं हम लोग, ये देखिए, एक बार ये घुमा लिया हम लोग ने धागा, उसके बाद में ये रिंग के अंदर से मैंने सुई अंदर डाल दी, फिर ये यहाँ से मैंने लूप खींच लिया। ये देखिए, अभी मेरे सुई के ऊपर तीन लूप है, दो यहाँ पे फिर से एक बार धागा सुई पर ले लिया, और दो इसमें से लूप में से मैं धागा खींच लूँगी। अभी मेरे सुई के ऊपर सिर्फ दो लूप्स है, फिर से एक बार धागा खींच के
अंदर ले लिया, ये देखिए ये दूसरा हो गया, ये अभी एक मेरा तीन चेन का डबल क्रोशेट बन गया और ये मेरा डबल क्रोशेट। तो अभी और मुझे ऐसे 18 बनाने हैं, ये देखिए लूप खींच लिया रिंग के अंदर से, और एक लूप खींच लिया और एक लूप खींचकर दो लूप में से निकाल लिया, फिर बचे हुए दो इसमें से लूप निकाल लिया। ये देखिए अभी ये 4 डबल क्रोशेट, यानी कि इसे भी हम लोग डबल क्रोशेट के जैसे ही काउंट करते हैं। अभी हमें टोटल 20 यानी एक तीन चेन का और बाकी का 19 डबल क्रोशेट, ऐसे ही अभी मैं ये बना दी जाऊंगी। बस हमें यही ध्यान रखना है, ये हमें छोड़ना नहीं है अंदर की ओर, ये खींचते रहना है ताकि हमारा बाद में हमारा मैजिक सर्कल बनाने में हमें काम आए। देखिए जैसे जैसे ये हमको लग रहा है कि ये अंदर की ओर चला जा सकता है तो हम लोग इसको खींच के छोटा कर देंगे। अभी हम लोग ये काउंट कर लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और ये अभी हमें रिंग ये बंद करना है, देखिए ये स्ट्रैंड अभी हम लोग ने खुला ही छोड़ा है, रिंग बंद करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीन चेन जो है उसमें से सबसे टॉप की चेन के अंदर डाल के हम लोग एक लूप खींच लेंगे। ये देखिए लूप, ये इसमें सिंगल क्रोशेट वगैरह नहीं करेंगे हम लोग, जस्ट इसमें से एक बार धागा खींच लिया और उसके बाद में इसमें से भी खींच लिया। ये देखिए ये हमारा पूरा सर्कल जैसे बन गया, और अभी ये हम लोग ये जो पीछे का लूप है वो हम लोग खींचते जाएंगे। और ये हम लोग यहाँ कट नहीं करेंगे, ये धागा हम लोग बस इसमें से सब पास करके इसको अंदर ही छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा एक पूरा रिंग तैयार हो गया है, इसमें हमारे 20 है, 20 के ऊपर हम लोग अगर 20 ही डालेंगे तो वो अभी ही उसका टोकरी जैसे हो जाएगा। तो हमको ये हमारा बेस जो है थोड़ा सा बड़ा चाहिए, इसके लिए या तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक डीसी के ऊपर आप 2 DC डाल सकते हैं, यानी कि 20 का 40 कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ही कंजेस्टेड जैसा दिखता है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक डीसी एक चेन हर डीसी के ऊपर करूँगी, ताकि वो मीन्स 40 का स्पेस तो क्रिएट हो जाएगा लेकिन उतने डीसी उतने नहीं बनेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने 3 चेन कर लिए और एक गैप का एक चेन है, और अभी इसके बाद ये चेन का जो था उसके नेक्स्ट वाला, ये देखिए नेक्स्ट वाला जो है उसी के इसमें से, ये देखिए ऊपर की जो चेन होती है उसके अंदर से डाल के इसको एक डीसी कर दूंगी। ये देखिए एक चेन एक डीसी हो गया, एक चेन और एक डीसी, ऐसे ये डबल क्रोशेट जो है ये 3 चेन का एक डबल क्रोशेट, उसके बाद में एक एक्स्ट्रा चेन, उसके बाद में दूसरा डबल क्रोशेट, इसके बाद और एक डबल क्रोशेट करना है, लेकिन उसके पहले हमको एक चेन का गैप देना है ताकि हर डबल क्रोशेट के बीच में एक गैप हो। ये देखिए नीचे हम लोग कोई भी डबल क्रोशेट छोड़ नहीं रहे, हर डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट आ ही रहा है, लेकिन उसके बीच में हम लोग एक एक चेन डाल रहे हैं।
देखिए हम लोग को आसानी से ये दिखाई देता है कि कहाँ करना है। ये देखिए, ये ऊपर देखिए, ये जैसे कि क्रॉस, ये चेन के जैसे दिख रहा है आपको, ये होल दिख रहा है, इसी में हम लोग बनाएंगे, इसी के अंदर। ये देखिए, बस हमको बीच में चेन डालना भूलना नहीं है। अभी ऐसे ही हमको पूरा सर्कल में बनाना है। तो ये सर्कल के एंड में देखिए 20 डबल क्रोशेट और 20 चेन ऐसे बन जाएगा। ये मैं इतना बना लेती हूँ। देखिए हमारा 20 डबल क्रोशेट हो गया है। अब ये आखिर में इसका और एक चेन, जो इस और इसका एक गैप देने के लिए, और नीचे से तीसरा चेन, यानी कि यहाँ पे हम लोग ने 4 चेन बनाए थे, लेकिन ये ऊपर का जो एक चेन है वो गैप का चेन है, इसके लिए ये डबल क्रोशेट का 3 चेन है, उसमें से टॉप के 3rd चेन पे हम लोग सुई अंदर डाल के, ये देखिए धागा खींच रहे हैं, इसमें से खींच लिया, फिर ये दूसरे लूप में से भी खींच लिया। ये देखिए, ये हमारा सर्कल पूरा हो गया। अगर हम लोग ऐसे सर्कल नहीं बनाते और ऊपर करते करते जाते हैं तो चक्री जैसी बनती है, सर्कल नहीं बनता है, वो आगे आगे होते ही चला जाएगा। अभी इसका अगले लाइन में हम लोग जस्ट मजबूत बनाने के लिए हर डबल क्रोशेट के ऊपर भी एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, और जो गैप है उसमें भी हम लोग एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, ताकि एक लाइन मजबूत बनी रहे और एक लाइन गैप का बना रहे। देखिए एक हो गया, ये अभी नेक्स्ट जो चेन है, देखिए इसके ऊपर हम लोग ने 3 चेन कर लिए, और जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है वो अगले वाले चेन के ऊपर, उसके अगला वाला ये डबल क्रोशेट के ऊपर, और एक डबल क्रोशेट, ये देखिए, और अगला जो है गैप के अंदर, ऐसे ही एक गैप के अंदर एक डबल क्रोशेट के ऊपर, एक गैप के अंदर एक डबल क्रोशेट के ऊपर, ऐसे करके हम लोग ये लाइन पूरा करेंगे। ये देखिए, इसकी वजह से क्या होता है, ये लाइन बढ़ेगी नहीं, ये जो सर्कल है बढ़ेगा नहीं, बस अपने आप वो बंद होने की कोशिश करेगा, जैसे टोकरी जैसे बनते जाएगा। अगर हमको ये बड़ा करना है, टोकरी नहीं करनी है, हमारा बाउल और थोड़ा बड़ा है, तो ये हम लोग इस लाइन में भी बढ़ाने की ज़रूरत होगी। अभी हम लोग को ये बढ़ाना नहीं है, हम लोग का बेस ये इतना ही रहेगा, इसके लिए हम लोग अभी सेम, यानी कि इसमें 40 डबल क्रोशेट आएंगे, ताकि ये बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। ये देखिए, अब ये मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखिए ये पूरा हमारा बन गया है। देखिए 40 डबल क्रोशेट आ गए। अब ये ऊपर का जो चेन है, देखिए एक एक दो तीन, ये तीसरे चेन के ऊपर अंदर सुई डाल के मैं ये खींच लूँगी। ये देखिए, ये पूरा सर्कल हो गया। अब ये देखिए हमारी टोकरी जैसी वो ऊपर उठने लगी है, क्योंकि इस लाइन में हमने कोई इंक्रीज नहीं किया है। अब इसके अगले लाइन में भी हम लोग कोई इंक्रीज नहीं कर रहे। ये देखिए, अगला लाइन भी हम लोग इसी तरह एक गैप वाला खिड़की जैसे बनाते जा रहे हैं, और उसके ऊपर का दोनों लाइन हम लोग इसके हाइट हमारे डिब्बे के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। और ये ध्यान रहे, आप जब भी इसका साइज बढ़ाएं तो ये मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के हिसाब से बढ़ाएं, क्योंकि ये ऊपर का जो पेटल है वो 4-4 का बन रहा है, या तो फिर आप इसका बीच का गैप ध्यान रखें कि कैसे करना है। अब ये इसके ऊपर का लाइन, जो ये सेकेंड राउंड का हम लोग ने लाइन किया है, वैसे ही ये राउंड आएगा। अभी हमें इसके ऊपर जैसे कि रूटीन हम लोग करते हैं वैसे 3 चेन बना देंगे हम लोग। ये डबल क्रोशेट का 3 चेन है, और उसके बाद का एक गैप का चेन। और इस लाइन में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस लाइन में, यानी कि इस लाइन में जब सेकेंड रो हम लोग ने बनाया था, तो ये 20 का हम लोग को 40 करना था, इसके लिए हम लोग ने गैप दिया है। अभी हमको ये 40 का 40 ही रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे,
डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट तो डालेंगे, लेकिन बीच में एक एक डबल क्रोशेट हम लोग स्किप करते जाएंगे, ताकि ऊपर फिर से ये जो लाइन है मतलब 20 डबल क्रोशेट और 20 चेन फिर से बने। अभी हमको इसमें हर डबल क्रोशेट के ऊपर हम लोग करते जाएंगे और बीच में गैप दे देंगे, तो ये 40 का 80 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, ये अपना डॉयली जैसे हो जाएगा, बाउल नहीं बनेगा, ऐसे बाउल नहीं बनेगा, हमको ये ऊपर उठते ही जाना है। इसके लिए साइज बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। अभी ये 4 चेन हो गए, इसके बाद ये एक डीसी छोड़ के उसके अगले डीसी के ऊपर एक डबल क्रोशेट, ये देखिए फिर से डबल क्रोशेट, एक चेन डालेंगे नीचे का, एक डबल क्रोशेट छोड़ेंगे उसके अगले इसमें करेंगे, ये देखिए एक चेन, एक नीचे का स्किप करेंगे नीचे का डबल क्रोशेट और उसके अगले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, ये देखिए इसमें हम लोग ने हर जगह एक एक डबल क्रोशेट स्किप करते गए हैं, ये देखिए डबल क्रोशेट के बाद एक चेन, एक डबल क्रोशेट स्किप करके अगले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट करेंगे। अभी इसके ऊपर की लाइन में 20 डबल क्रोशेट आ जाएंगे और 20 चेन आ जाएंगे। ये हमारा पूरा, ये देखिए जैसे कि बाउल जैसे अंदर श्रिंक हो रहा है, सारे चेन्स हो गए और डबल क्रोशेट भी हो गया। अभी ये लास्ट चेन करके इसमें थर्ड चेन में, टोटल 4 चेन हैं उसमें से थर्ड चेन में हम लोग ये डाल के सुई डाल के लूप खींच लेंगे, ये देखिए रखिए। और हमेशा हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग का इनिशियल पीरियड में हम लोग बना रहे हैं तो डालने के वक्त हम लोग जो भी हम लोग इसमें डालने वाले हैं डाल के देखेंगे कि साइज़ बराबर है या नहीं, ताकि हमारी मेहनत वेस्ट ना हो। मैंने इसको काउंट किया है तभी इसमें वो बराबर आ जाएगा, ये देखिए इसी साइज का है। ये देखिए इसी साइज का है। बाजार में अलग अलग टाइप के डिब्बे मिलते हैं, आप या तो आपके पास अगर कोई घर में है अवेलेबल कुमकुम का डिब्बा वगैरह, तो आप उसमें उस हिसाब से बना सकते हैं। अभी इसके अगले लाइन में हम लोग फिर से ये प्रीवियस लाइन ही दोहराने वाले हैं, अगले 2 राउंड में हम लोग यही बनाने वाले हैं, ये राउंड बनाने वाले हैं, जैसे कि वो टाइट फिटिंग रहे, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग सिर्फ 2 राउंड बनाने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 राउंड में हम लोग का ये बाउल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में ये ऊपर का डिज़ाइन बनेगा। तो अभी इसके ऊपर के लाइन में ये देखिए 3 चेन, गैप की जगह पे चेन के गैप जो है उसमें हम लोग एक डबल क्रोशेट डाल देंगे और उसके अगले डबल क्रोशेट के ऊपर और एक डबल क्रोशेट, ये देखिए यानी जो ये लाइन है खिड़की के लाइन के पहले वाली जो लाइन है वही हम इधर दोहराएंगे। मीन्स प्रीवियस राउंड में हमारा एक डबल क्रोशेट एक चेन, एक डबल क्रोशेट एक चेन था, तो अभी ये सारा का सारा डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट के ऊपर भी डबल क्रोशेट और चेन के गैप के ऊपर भी डबल क्रोशेट, यानी कि अभी ये फिर से 40 चेन का 40 डबल क्रोशेट का लाइन बन जाएगा। और ऐसे हमें 2 लाइन बनाने हैं, देखिए एक खिड़की वाले लाइन के ऊपर हमारा 2 और 2 राउंड हो गए। अभी ये टॉप के थर्ड चेन के ऊपर हम लोग इसका देखिए ये सर्कल पूरा हो गया, तो हमारा जितना ये हाइट था उतना हमारा हाइट का ये बन गया है, ऊपर का लाइन हमारा ये 40 चेन 40 डबल क्रोशेट का है। अभी इसके बाद हम लोग वो पेटल्स जैसे बनाने शुरू करेंगे, ये देखिए ये पेटल्स जो है क्रोकोडाइल स्टिच का टाइप है, ये देखिए
और ये फ्रंट पोस्ट में बनते हैं। फ्रंट पोस्ट यानी कैसे आता है, जब हम लोग सुई यहाँ पीछे से डाल के, देखिए यहाँ से डाल के, अब जब ये हम लोग इसको ऊपर उठाते हैं और इस वाले डबल क्रोशेट के ऊपर हम लोग ये बनाने वाले हैं, फूल बनाने वाले। तो इसका हम लोग शुरू कैसे करेंगे, देखिए ये तीन चेन का लाइन है, तो इसमें हम लोग देखिए डबल क्रोशेट बनाने वाले हैं। ये देखिए एक लूप मैंने खींच लिया और ये इसके अंदर ही डबल क्रोशेट से ये मैंने हॉरिजॉन्टली डाल दिया अंदर, और ये देखिए इसमें से मैंने लूप खींच लिया फिर से और ये तीन लूप्स हो गए। उसके बाद में हमारा रूटीन जैसे डबल क्रोशेट हम लोग बनाते हैं वैसे डबल क्रोशेट, ये देखिए जैसे आढ़ा जैसे बन रहा है। अभी ये यही जो डबल क्रोशेट है इसी में हम लोग और चार बनाएंगे, ये देखिए ऐसे ही, ये देखिए एक दो हो गया, अभी ये तीसरा भी इसी प्रकार। चौथा हो गया, अभी ये पांचवा। देखिए ध्यान रहे कि एक ही इसमें हमारा बन रहा है, एक ही डबल क्रोशेट जो है उसी में ये हमने बनाया है। ये देखिए टोटल देखने में देखिए कितना आ गया हमारा, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच बन गए, देखिए पाँच बन गए। और फिर एक बीच में एक गैप देने के लिए हम लोग एक चेन डाल देंगे, एक चेन डाल दिया। अभी ये फिर से हम लोग लूप घुमा लेंगे, अभी ये नेक्स्ट जो पाँच का है हम लोग इसके अगले डबल क्रोशेट के ऊपर डालेंगे, इसके अगले डबल क्रोशेट के ऊपर, ये देखिए इसमें। लेकिन इस बार हम लोग कैसे करेंगे, ये ऐसे घुमा लेंगे और ये सामने से, ये पीछे से हम लोग ने किया था जिस रूट पे आए थे वैसे ही, अभी ये हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे जैसे कि पहले वाले इसमें किया था हम लोग ने, ऐसे नहीं करेंगे। अभी हम लोग सामने के यहाँ से आके इसमें डाल देंगे, ये देखिए पहले वाला हिस्सा डालते वक्त हमको ऐसे लगता है कि दिक्कत है लेकिन फिर नहीं होता, ये देखिए यहाँ से डाल के लूप खींच लिया, ये देखिए और ये डबल क्रोशेट पूरा कर लिया, ये देखिए अपने आप ये टर्न हो जाता है, ये देखिए। और अभी इसमें और चार डबल क्रोशेट, मीन्स टोटल पांच डबल क्रोशेट हमको एक एक डबल क्रोशेट में डालना है। देखिए यहाँ पर भी पांच डबल क्रोशेट, अभी हम लोग ये सामने से जब देखेंगे, ये देखिए एक पेटल जैसा बन गया है, पांच डबल क्रोशेट एक चेन और पांच डबल क्रोशेट, ये हमारे यहाँ पे जब हम देखेंगे, ये देखिए ये दो डबल क्रोशेट के ऊपर हमारा ये सारा ये बना। अभी इसके अगले वाले दो जो है ये और ये हम लोग छोड़ देंगे, एक और दो ये छोड़ देंगे और उसके बाद वाला इसमें हम लोग, ये देखिए ये दो छोड़ दिए, अब ये तीसरा वाला जो है इसमें हम लोग ऐसे, ये देखिए हॉरिजॉन्टली सुई में रख रही है, ये देखिए ऐसे बीच का दो हमने छोड़ दिया है और उसके अगले वाले इसमें मैं डबल क्रोशेट करूँगी, वो भी पांच, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये देखिए ऐसे करना है और ये हॉरिजॉन्टली ऐसे रखना है और इसमें से हम लोग को लूप खींच के दो बन गए, अभी और तीन बनेंगे। बाद में एक चेन देखिए, इसको बाद में हम लोग ये करने के बाद हम लोग इमीडिएट ऐसे घुमा लेते हैं हमारे बाउल को और बाद में देखिए सामने की तरफ से ऐसे डालेंगे, देखिए ऐसे जो तभी
उस तरफ से था, अभी इस तरफ से डालेंगे हम लोग, जस्ट उसका अगले डबल क्रोशेट के ऊपर ही कर रहे हैं हम लोग ये। और यहाँ पे भी हमको तीन डबल क्रोशेट और करना है, ये देखिए दो हो गए और अभी तीन करना है, टोटल पांच। ये देखिए हमारा दूसरा पेटल भी हो गया है। अभी अगली बार फिर से ये दो अगला वाला हम लोग छोड़ के, मीन्स जिस साइड से हम लोग काम कर रहे हैं उसी साइड से, देखिए एक लूप तो हम लोग ने सुई पे ले लिया है, दूसरा वाला हम लोग सीधा ये दो छोड़ के तीसरे के इसमें ऐसे डाल देंगे सुई, और यहाँ से लूप खींच लेंगे अंदर, और ऐसे ये डबल क्रोशेट पूरा करेंगे। देखिए फिर से करने के लिए फिर से एक लूप लेंगे और इसके अंदर से और एक, बस ये हमको ध्यान रखना है कि हमको पांच करने हैं। पांच करने के बाद एक चेन, उसके बाद में इसके ऊपर, सामने की ओर से ऐसे डाल देंगे। आपको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, एक बार आपको नॉट का अंदाज़ा आ गया तो फिर आपको करने में भी मज़ा आएगा, और इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। देखिए पांच हो गया, देखिए हमारे तीन पेटल पगड़ी बन गए। देखिए और आपने ये देख गौर किया होगा, देखिए दो छोड़ दिया दो के ऊपर काम कर दिया, दो छोड़ दिया दो के ऊपर काम कर दिया, देखिए इसका मतलब हम लोग का यूजेज कितना है, एक पेटल के लिए हम लोग दो यूज़ करते हैं दो छोड़ते हैं, इसका मतलब टोटल चार। इसके लिए मैंने बोला था कि मल्टीपल्स ऑफ फोर में ये काउंट होता है, और ये ऐसे करके ये देखिए इसमें हमारे टोटल 10 पेटल्स बने हैं, क्योंकि ये 40 का हमारा घेरा था। देखिए अभी ऐसे ही इसको मैं कंटिन्यू करूँगी, दो छोड़ूंगी उसके बाद के दो इसी के ऊपर, यहाँ पे पांच और यहाँ पे पांच, ऐसे डबल क्रोशेट डालूंगी और दो डबल दोनों डबल क्रोशेट के बीच में एक मेरा पांच पांच के डबल क्रोशेट के बीच में सेपरेटर करके एक चेन रहेगा। ये ऐसे ही मैं ये पूरा करूँगी लाइन। हमारा ये पूरा सर्कल हो गया है, अभी ये लास्ट में हम लोग यहाँ पे इस गैप में आके, देखिए ये जो गैप है लास्ट डीसी है जो हमारा दो स्किप किया था, तो इसमें लास्ट वाला डीसी के अंदर डाल के मैं एक स्लिप स्टिच कर लूँगी, और एक बार इसके अंदर से मैं धागा खींच लूँगी। ये देखिए और ये जो थ्रेड है इसके अंदर से पास कर दूंगी ताकि वो धागा निकले नहीं। फिर आगे आने के बाद मैं वो कट कर लूंगी। ये हमारा बन गया है जैसे कि ये था, हाइट हमको हमारे जैसे चाहिए हमको
ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए, आप इसी का आइडिया लेके आप छोटे बच्चों के कैप भी बना सकते हैं। ये देखिए, बस ये घेरा आपको बढ़ाते जाना होगा अपने बच्चे के सर के हिसाब से। ये देखिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियोस आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।